का ग्राउंड ऑपरेशन अभी जारी है। अपने ग्राउंड ऑपरेशन से इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा का संपर्क तोड़ दिया है, लेकिन गाजा शहर में इजराइल की सेना फंस गई है। गाजा शहर में इजराइल की सेना को कई तरह के सरप्राइज अटैक को झेलना पड़ रहा है। दरअसल ये हमास का होम ग्राउंड है और ये इसका फायदा पूरी तरह से हमास उठा रहा है, उसे मिल रहा है यहाँ फायदा। हमास के आतंकी घात लगाए हुए हैं और टारगेट के आने का इंतजार कर रहे हैं, टारगेट खुद चलकर उनके निशाने पर पहुंच रहे हैं। तो दे आर इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, सिटिंग डक्स वाली सिचुएशन हो रही। वहीं इजरायल की सेना आम लोगों को बचाने में जुटी है, उन्हें आतंकियों का खात्मा करना है, लेकिन आम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ये वो हमेशा कह रहे हैं, उनका ध्येय है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं हमास को कोलैटरल डैमेज की जरा भी फिक्र नहीं है, वे तो लोगों को अपना रक्षा कवच बना रहे हैं, ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, एक ह्यूमन शील्ड की तरह उनका प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। हमास को अपने शहर का फायदा मिल रहा है, जहां वो बिल्डिंगों में छुपकर, मलबों में छुपकर, घात लगाकर इजराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो सुरंगें भी हैं जिनका वो प्रयोग कर रहे हैं, कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले लॉन्चर्स इसराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हैं, क्योंकि इसके जरिए हमास के आतंकी इसराइल के टैंकों को एक एक कर बेकार कर रहे हैं। इसके अलावा गलियों में लैंडमाइंस बिछा रखी गई, वहीं हालांकि इजरायली सेना के इंजीनियर आगे आगे चलकर लैंडमाइंस को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलियों में इक्विपमेंट ले जाना संभव नहीं है और वहाँ लैंडमाइंस बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा वहाँ बिछी सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है, जो अलग मुसीबत है, जहाँ से रह रहकर अचानक से अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि इसराइल को पहले से पता था कि अगर वो गाजा में घुसी तो उसे महीनों तक जंग लड़ना पड़ेगा, जो उसकी रणनीति का दूसरा फेज भी है और ये लंबा चलेगा। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो हमास ने जारी किया है और जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैसे हमास के आतंकी बड़ी आसानी से इजराइल की सेना पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए, ये हमास ने रिलीज किया है, जहां हमास के आतंकी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हर तरफ बैरिकेडिंग है, मलबा ही मलबा है, और ये देखिए आतंकी छुप छुप कर बाहर निकलते हैं, इजरायली सेना जो वहाँ से आ रही है घात लगाकर उनको टारगेट कर रहे हैं, और ये हमास का रॉकेट लॉन्चर है और ये शोल्डर हेल्ड लॉन्चर है, यहीं से फायर करते हैं, फिर उनके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, और ये आतंकी देखिए फिर बाहर निकल रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति तो है जो तस्वीरें ले रहा है कि हमास के फाइटर कैसे लड़ रहे हैं, तो इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी भी चल रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके कोने से खड़े होकर लड़ रहे हैं। देखिए हाथों में बंदूकें लेकर एक जगह से दूसरी जगह ये भाग रहे हैं और इजरायली सेना को चैलेंज कर रहे हैं। इनके पास वो शोल्डर हेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं जिससे वो ग्रेनेड लॉन्च कर रहे हैं, ये देखिए, और ये ग्रेनेड फायर करके फिर जैसे ही उनको सामने नज़दीक में इजरायली सेना दिखती है छुपकर वार करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर से ये हमला हो रहा है, ये और ये इजरायली सेना आपको यहाँ दिख रही है और कैसे उन पर सीधा घात लगाया, अटैक कर दिया। उनको पता ही नहीं है कि ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि मलबे में छुपे हैं, अंदर से आते हैं, मलबा, टूटी हुई इमारतें, इसके नीचे जो सुरंगें बनी हैं, इनका वो हमास के आतंकी बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए गुरिल्ला काइंड ऑफ वॉरफेयर चल रहा है, लड़ाकों के पास ज़्यादा कवच नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सिर्फ बंदूक है या लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसका वो इस्तेमाल करके फायर करके वहाँ से भाग रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि हमास का प्रोपेगेंडा मशीनरी कैसे चल रहा है, कि एक व्यक्ति वहाँ कैमरा लेकर पूरा फायरिंग फाइटिंग के सीन में जाकर तस्वीरें ले रहा है और जिसकी वीडियो और जिसकी तस्वीरें फिर वो जग जाहिर कर रहे हैं, ये कहकर कि हमास का रेजिस्टेंस अब भी चल रहा है। अलग अलग जगह पे इनकी पोजीशनिंग देखिए कि कैसे ये गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका बेस है, इनकी टेरिटरी है। अब इनके इलाके में IDF घुसी है, तो IDF के पास डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसे नहीं पता खतरा कहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पर एक टैंकों का दस्ता आता है और सीधा उनको डायरेक्टली टारगेट कर दिया जाता है, फिर से उन्हें टारगेट किया जाता है। जहाँ जहाँ से इन्हें डिस्टेंस से इजरायली सैनिक दिख रहे हैं या इजरायली सेना दिख रही है, उन पर ये छुप कर वार करते हैं और फिर वापस फरार हो जाते हैं। वहीं इसराइल से लेकर अमेरिका तक सबको अब शनिवार का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हिजबुल्ला शनिवार को युद्ध का फाइनल ऐलान कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसराइल पर अटैक करने के लिए रविवार से शुरुआत की जाएगी और इसे ही इसराइल का ब्लैक संडे कहा जा रहा है।
दक्षिणी लेबनान में पहला धमाका और फिर कुछ सेकंड के बाद हुआ दूसरा धमाका। ये लेबनान का गांव कफार किला है और यहां इसराइल ने जमकर बम बरसाए। ये इसराइल और लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला के बीच डायरेक्ट युद्ध है जिसके शोले अब पूरी दुनिया को जला सकते हैं। हिजबुल्ला ने ऐसा ऐलान किया है कि इसराइल के लिए अगला रविवार ब्लैक संडे बन सकता है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरअल्ला का शनिवार को फिर से एक भाषण होगा। गारंटी दी जा रही है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान इस बार पक्का है, यानी हसन नसरअल्ला की सैटरडे स्पीच में इस बार इसराइल के खिलाफ रविवार के बड़े यलगार का ऐलान होने वाला है। इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, रॉकेट दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। कुल मिलाकर हिजबुल्ला और इसराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ हिजबुल्ला के एक लड़ाके का जनाजा निकला है। हिजबुल्ला के मशहूर पीले झंडे से लपेटा हुआ ये जनाजा कासिम इब्राहिम अबू ताम का है। कासिम इसराइल के बॉर्डर पर लड़ते हुए मारा गए और अब उसकी मैयत में सैकड़ों लोग यहाँ जमा हुए हैं। Everybody knows that part of our areas, part of our territories in Lebanon is still occupied by the Israeli occupation. They are targeting our civilians, and we will do everything possible in order to ensure the security of our land, the security and the safety of our people as well. गाजा में अलग अलग इसराइल लेबनान बॉर्डर पर जो धीमा धीमा युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्ला के 60 से ज्यादा लड़ाके इसराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइल के 9 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गंवा चुके हैं। सवाल है कि इस युद्ध में अब शनिवार को हसन नसरअल्ला का दूसरा भाषण क्या इसराइल के लिए अगला दिन ब्लैक संडे साबित कर सकता है। अब हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरअल्ला का नया भाषण इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगा, इसे लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बड़ी धमकी दे दी है। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. गाजा तो इसराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इनमें करीब 4,500 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्ला को डरा पाएगी, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। हमास के खिलाफ जंग में फिलिस्तीन के अधिकारियों ने गाजा में अब तक 10,569 लोगों की मौत का दावा किया है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में गाजा में बड़े स्तर पर तबाही का भी दावा किया गया है, जबकि इसराइल लगातार दावा करता रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है और हमास के लड़ाकों को ढेर किया है। अब वहीं लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्ला इसराइल के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हिजबुल्ला की वजह से वो हमास के खिलाफ जंग पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इसराइल को दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है, टू फ्रंट वॉर।
वहीं इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला में करीब 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 लड़ाके हमेशा एक्टिव रहते हैं और 25,000 उनकी रिजर्व में। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इसराइल पर गिरे तो इसराइल के 2 बड़े शहरों का काम तमाम हो जाएगा। हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इसराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। Suicidal war by the Israelis is targeting humanity everywhere, and every human being who has one shred of humanity, he should be concerned about what's really happening, and he should voice out, vent and his anger, and he should do everything possible in order to help the people of Gaza. We in Lebanon, as Hezbollah, we're doing our part of the job against this occupation. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब हिजबुल्ला का खतरा अमेरिका भी महसूस कर रहा है, क्योंकि इसराइल को बचाने आए अमेरिका के जंगी जहाज अब हिजबुल्ला के टारगेट पर आ चुके हैं। यह है हिजबुल्ला की एंटी शिप मिसाइल, जिसके टारगेट पर वो जहाज हैं जो इस वक्त भूमध्य सागर में खड़े हुए हैं। ये ऐसी मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में किसी भी जंगी जहाज के 2 टुकड़े कर सकती है। इस वीडियो के जारी होने के बाद अमेरिका थोड़ा सक पका सा गया है, क्योंकि हिजबुल्ला से टक्कर लेकर वो अपना बड़ा नुकसान नहीं कराना चाहेगा। हिजबुल्ला के एंटी शिप मिसाइलों का वीडियो आने के बाद इसराइल ने अपनी नौसेना को एक्टिव कर दिया है। गाजा के समुद्री तट पर हमलों के साथ साथ इसराइल की नेवी अब लेबनान की समुद्री सेना के आसपास भी घूम रही है, ताकि हिजबुल्ला की हरकतों की टोह ली जा सके। हिजबुल्ला की एंटी शिप मिसाइल अमेरिका और इसराइल दोनों को जबरदस्त झटका दे सकती है। אנחנו ננצח, אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन 4H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन 4H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हशद अल शाबी, H से हुथी यानी यमन का विद्रोही गुट। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ कई ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है। ये ड्रोन गाजा में हो रही इजरायली बमबारी के खिलाफ लॉन्च किए गए। यमन में भी इस बात का गुस्सा है कि इजरायली बमबारी से गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इसराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा